हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5000 वैकेंसीज की जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और 15 सितंबर से उसके लिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जिनको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर ये आपके कुछ क्वेश्चन है जैसे किस जिले में कितनी सीटें हैं, किस जिले में जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं, वैकेंसी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, और क्या एक वर्ष बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर ये कि जो ANM फाइनल ईयर में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर पहले बात करी जाए कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो इसके लिए हम चलेंगे अपने पेजेस पे जो आपका डाउनलोड किया गया है। इसमें सबसे पहले देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट नेम और नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन। तो इसमें आपका कुछ ज़िले हैं जिसमें कम सीटें और कुछ में ज़्यादा हैं। जैसे आप आगरा को लीजिए, इसमें 27 सीटें हैं, अलीगढ़ में 51 हैं, अम्बेडकर नगर में 53 हैं, अमेठी में 69 हैं। तो इसमें से थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि किस में अच्छी सीटें हैं। जैसे अलीगढ़ में आप अप्लाई कर सकते हो, 160 सीटें हैं। बहराइच में बहुत ही अच्छी हैं, 296 296 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये है कि आप कई ज़िलों से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको अगर 4 ज़िलों के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा और उसके लिए कोई फीस नहीं है एग्ज़ाम की, तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। और जहाँ पे आपका ज़्यादा सीटें हैं तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा मेरिट कम जाने की आशंका है, संभावना है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी संभव हो सकती है कि जहाँ पे ज़्यादा सीटें हों तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली यही सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा सीट है तो यहाँ पे अप्लाई लोग ज़्यादा करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, एक या दो जगह जो जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ अप्लाई करिएगा, और एक जहाँ पे एवरेज में है यानी कम वहाँ पे करिएगा। मोस्टली ये होता है जहाँ पे कम सीटें होती हैं वहाँ पे कोई एप्लीकेंट्स स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें कम सीटें हैं तो यहाँ पे कम चांसेस हैं। तो इसके देखते हुए वहाँ पे क्या होता है, कम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो और फिर जो लोग अप्लाई करते हैं उनके चांसेस बन जाते हैं, तो इसलिए वहाँ भी आप करिएगा। और बलिया में 94 है, बलरामपुर में 121 है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बांदा में काफ़ी कम है, 8 वैकेंसी हैं। बाराबंकी में 122, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका 22 चित्रकूट में काफ़ी कम है, देवरिया में 104 है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और 207 है गोंडा में, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे गोंडा में, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और हरदोई में भी एक अच्छी वैकेंसी 107 है, जौनपुर में 145 हैं। ओके, और झांसी में काफ़ी कम वैकेंसी है, 8 वैकेंसी हैं। और आपकी कुशीनगर, आपकी कौशाम्बी में 78 हैं, कुशीनगर में 184 हैं, और लखीमपुर खीरी में 197 हैं, 197, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुशीनगर में कितनी है, 184 हैं, और लखीमपुर खीरी में 197 हैं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। महाराजगंज में आपका 139 है। ओके, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और एक साथ क्या है, कई ज़िलों में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपका प्रयागराज में 168 है, प्रतापगढ़ में कितना है, 120 है, और सिद्धार्थनगर में 112 है, और सीतापुर में 176 है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप। और 115 वैकेंसी है सुल्तानपुर में, और वाराणसी में काफ़ी कम वैकेंसी है, 9। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात, जहाँ पे एवरेज वैकेंसी वहाँ पे आप 3-4 ज़िलों में अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ पे ज़्यादा है दो चीज़ में आप करिएगा,
और जहाँ पे बिल्कुल कम है वहाँ काफ़ी कम चांस मिलेंगे। वाराणसी जैसे 9 वैकेंसी है, यहाँ पे आप अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट ये चीज़, जो अदर स्टेट के हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एक शर्त है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में उनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको अपलोड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स और उसके जो डिटेल्स हैं वो भी डालने पड़ेंगे, और जब आपके पास होगा नहीं तो आप कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए ये ध्यान करने की ज़रूरत है। और सेकंड चीज़, अगर अदर स्टेट के हैं तो क्या होगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट आपको काउंट किया जाएगा, ठीक है, आप जनरल कैंडिडेट होंगे क्योंकि आप अदर स्टेट को हैं, और आपको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो एनम के फाइनल ईयर में हैं, तो वो कह रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप उसकी डिटेल्स फिलअप कर पाएंगे और अपलोड कर पाएंगे, जो कि आपके पास होगा नहीं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले या फाइनल ईयर वाले नहीं कर सकते हैं, उनका जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगी सारी प्रोसेस, तभी वो जब वैकेंसी आएंगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और सेकेंड चीज़, कई कई बार लोगों ने, ये स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जो इसकी वैकेंसी है वो क्या है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे। फ्रेंड्स वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 1 साल के लिए मान्य होता है इसमें, और 1 साल के बाद किसी को भी जॉब से बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है, आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये होता है कि आप जब फर्स्ट जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए एक श्योरिटी बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपका जो प्रोफार्मा होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो लिखी होती हैं और वो प्रिंट करवाया जाता है, फिर उसको क्या होता है, वो हर 1 साल बाद रिन्यूअल होता रहता है, तो आपकी जॉब बिल्कुल सेफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी जॉब ऐसे चलती रहेगी, ओके, जब तक कोई बहुत ही बड़ा इश्यू ना हो तब तक आपकी जॉब पे कोई आँच नहीं आने वाली है और आपकी जॉब चलती रहेगी, ठीक है, ये हो गया। और फ्रेंड्स आपके क्या क्वेश्चंस हैं, और फ्रेंड्स आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो वैकेंसीज होंगी वो मेरिट बेस्ड पे होंगी, ठीक है, या एग्ज़ाम होगा, तो फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और आपके जो एकेडमिक रहेंगे, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया और एनएम डिप्लोमा हो गया, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस वगैरह, इन सभी को मिला के, एक्सपीरियंस तो इतना काउंट नहीं किया जाएगा हमें लगता, लेकिन मोस्टली आपका हाई स्कूल इंटर और जो आपका डिप्लोमा है उसके मार्क्स से मेरिट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के बाद क्या होगा, आपकी फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपके जो एजुकेशनल एकेडमिक जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसलिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार करवा लीजिएगा, और जो आपका अगर जात प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी लिस्ट दी गई है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, वो अगर नहीं है तो आप पूरी तरीके से तैयार करवा लेना, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आप इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा चांस है आपके लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और आपको जब जॉब मिलेगी, बस इसके साथ एक है कि जहाँ भी आपको जॉब मिलेगी, पोस्टिंग होगी, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दे दिया जाएगा एक बार पोस्ट, तब से आप वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो और वहीं पर ही आपको काम करना पड़ेगा, ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कुछ लोग होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया, और तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की रिप्लाई दूं। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, जिसमें आपकी आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट्स हिंदी, कंप्यूटर
और जी के सारे आप सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।